सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। हम सुबह उठ के अपना नित्य क्रिया करके हो रहे हैं तकरीबन फ्री। अभी सिर नहीं धोया है, सिर धोएंगे भी थोड़ी बहुत देर में। आज मौसम बड़ा रंगीला है और आज हमको दिल्ली जाना है। दिल्ली जाके कुछ काम है वो कंप्लीट कर रहे हैं। अंदर आज हम सुबह से बजा रहे हैं हारमोनियम पिताजी के संग। तो एक गाना हमने बजाया है, आपको गाना बताते हैं कौन सा गाना है। गेस करिएगा आप, हम तो सीख रहे हैं अभी बजाना, अभी उतना आइडिया नहीं है हमको। तो बज रहे हैं शाम के 3 और बस हमारा निकलने का टाइम होने वाला है दिल्ली के लिए। गोप्रो का मॉड रह गया जो कि मैं लाना भूल गया था, अब उसको लेने के लिए जा रहा हूँ मार्केट में। कहाँ मिलता है वो, जहाँ मिलेगा उसको खरीद के फिर अपनी धंधों से चलेंगे दिल्ली। मतलब सबका पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, जैसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू घूमने का, मतलब नई जगह मुझे सारी देखनी है जो मैंने नहीं देखी है। देखो एक तो जाने की टिकट बुक करा दो। अच्छा, मतलब प्लेन में बैठ रहा था, वाले से घूमना हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ पे आप स्टे देख लो अच्छी जगह। अच्छा, कार और रेंट प्री बुक कर लो। अच्छा, गाड़ी कर लो, बाइक करो, जो भी अच्छा लगे। थार मिल जाए, थार कर लो। और बाकी फिर हर एक एक जगह का स्पॉट एक्सप्लोर करते रहो। एक हफ्ते का प्लान बनाओ, 7 days का। अच्छा, संडे को जाओ, संडे को लौट जाओ। ओके, तो क्या है आपका कुछ छूटेगा भी नहीं। ये जितनी भी ये बनाना राइड है और ये पैराग्लाइडिंग टाइप की क्या कराते हैं, ये उड़ा देते हैं फिर वहाँ पे क्या होगा कि आपको खुद का व्हीकल होगा तो हर एक जगह स्पॉट पर, आपको लग रही है ज़्यादा भीड़ है तो थोड़ा दूर पहले पार्क करके। नहीं, तुमने फोर्ड को कैसे कहा कि वो मतलब क्या फोर्ड क्या देखना है? ऐसे नहीं अच्छे लगते क्योंकि फोर्ड में कुछ बोलना जाना है नहीं। व्यू देखने के लिए तो फिर सारे फोर्ट एक जैसे व्यू देते कहीं ना कहीं। अब जैसे मैं तो कार्डिफ का फोर्ट देखा था। ये कार्डिफ कौन है? कार्डिफ वेल्स में जगह है, विदेश की। भाई साहब ब्लॉग में हम विदेश की बात नहीं करेंगे, सिर्फ इंडिया की बात करेंगे। ये थोड़े विदेश वाले आदमी है, चेकोस्लोवाकिया है। हालेलुया। अब देखने को तो ऐसे तो आजकल दोस्तों टोल पे ये आलम है। अरे वाह, तो बंदर है साथ। तो मैं क्या कह रहा था, टोल पे ये आलम है कि भीड़ देख रहे हैं आप, मतलब ये पिछले 1.5 किलोमीटर से जाम है। मैं इस समय होटल वाले क्या कहते हैं टोल पे हूँ और ये पूरा जाम है, सब जाम है, सब पीछे वीछे तक सब जाम है, सब भरा पड़ा है। और पिछले 20 मिनट से हम कर रहे हैं इंतजार, अभी भी इन महाशयों की चर्चा चल रही है। सारी गाड़ी निकल रही है, आप देखिए देखिए, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। एक गाड़ी निकल गई, अब ये दूसरी गाड़ी आ गई, अब ये भी निकल जाएगी दूसरी गाड़ी। ये देखिए थका पेल निकल रही है पड़ोस में, ये देखिए लगातार 3 गाड़ियाँ। और यहाँ देखिए, यहाँ इनका डिस्कशन ही चल रहा है भाई साहब का, समझ में नहीं आ रही क्या चक्कर है। आगे गाड़ी फंसा रखी है, उसके चक्कर में डिस्कशन चल रहा है। मेरी गडकरी साहब से बहुत बहुत अनुरोध है, बहुत ज़्यादा मेरा वो है, क्या कहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, सर इसका कुछ करिए। NHI पे बंद तो रहे, हमारे इंतजार इतना करना पड़ रहा है, तो करें क्या फिर उस चीज़ का सर? यहाँ पर जाम की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है जिसका कोई हिसाब नहीं है सर। प्लीज़ कुछ करिए सर, ये टोल बूथ का करिए, ये फास्टैग वालों की मशीन ही ख़राब है, कुछ स्कैन विस्कैन कर ही नहीं पाते हैं, बैठे ही रहते हैं सर। बढ़वा चुना रहे हो, कितनी देर रह गई? बढ़वा चुना रहे हो, 10 मिनट तो है यार। तो फ्लाइट तो हमारी थी तकरीबन 10 बजे के आसपास की, अभी बज रहे हैं 9:45। वो क्या रहा है कि हम दिल्ली पहुँचे, दिल्ली पहुँच के हम 9 बजे निकले। 9 बजे क्या मतलब, 8:30 निकले, 8:30 निकले गाड़ी से, किसी की से गाड़ी से होते हुए यहाँ आए 10 बजे का। यहाँ पे फ्लाइट का उड़ना है तकरीबन 9:30 बजे बोर्डिंग था। 9:05 पे हम यहाँ आए हैं, दौड़ लगाई बहुत जोर से।
अभी जान नहीं है बिल्कुल भी, तो इसलिए शांति से बैठे हुए हैं। बस तो अभी 10:45 रहे पर अभी आपके फ्लाइट का इंतजार हो रहा है, बहुत सारे लोग बैठे हैं। ये नहीं मालूम था कि भाई साहब इतना होगा, क्योंकि मैसेज आया ना कि 15-25 मिनट पहले आपकी जो है बोर्डिंग क्लोज हो जाएगी, तो दौड़ना हो गया। फिर उसके बाद तो बोर्डिंग हो गई है, मतलब यहाँ से टिकट वाला सिस्टम ख़त्म हो गया है। अब बगल में खड़ी है शायद हमारी एयर इंडिया की फ़्लाइट हो रही, अब जाएंगे, पहुँचेंगे रात को 1 बजे, फिर आराम से मौज करेंगे, फिर सो जाएंगे हम का, सुबह उठेंगे देखते हैं। होटल बुक करा उसके बाद पता चलेगी कौन सा होटल किया है, वो मैंने अपने ट्रैवल एजेंट से ही करा लिया है। उतनी बुद्धि मुझे लगाने में थोड़ा आलस आता है। हमारा प्लेन और ये अंदर पायलट। Passenger Mayank Gautam from the flight Air India 883, and we are going to fly at a 38,000 feet of a height. The weather is very good. No such of turbulence has to be expected. इस देरी के कारण आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। यह उड़ान हम करीब 2 घंटे और 20 मिनट में तय करेंगे। वेलकम टू दी गोवा शिप, क्या कहता है, वेलकम टू दी गोवा सिंघम, जय कांत सिंह ने आपका गोवा में स्वागत करता है। तो मनन जी, आपको कैसा फील हो रहा है? FWL नींद आ रही है। देखिए दोस्तों, गोवा आके ही पहला मनुष्य जिसे नींद आ रही है, यहाँ लोगों की नींद उड़ जाती है, इसको नींद आ रही है। ये है हमारे मिंटोस जिंदगी। ये है मिंटोस जिंदगी, जिंदगी हो गई है लोगों की। वो अगला बेचारा, वो दुकान देख रहे हैं आप, ये जो ये 2M मिनी मार्ट करके, तो बेचारा रात के 1 बज रहे ना, वो सो रहा है बेचारा, मगर उसे बैठ रहा है भैया कोई आके खरीदे सामान। लाइफ इज़ नॉट इजी एज वी थिंक ना, डिफिकल्ट तो है ही सबके लिए।